हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को मैं बनाऊंगी कुछ अलग तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ये सब्ज़ी बनेगी। इसके लिए मैंने आलू गोभी को काट कर धोकर एक टोकरी में, जालीदार टोकरी में इसके रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक लोहे की कढ़ाई है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल को हल्का सा गर्म होने दूंगी। तेल को मैं कढ़ाई के चारों तरफ फैला रही हूँ ताकि जब मैं इसमें आलू गोभी डालूँ तो चिपके नहीं। अभी मैंने तेल गर्म होने के बाद इसमें डाला है जीरा। जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग। हींग वगैरह ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू गोभी और अब मैं इसे चलाकर थोड़ी देर ढककर इतना पकाऊंगी कि ये 80% 70% समथिंग हो जाए। आधी से ज़्यादा सब्ज़ी हमारी ऐसी ही हो जाएगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई से अलग टेस्ट आता है और इसका एक अलग टेस्ट आएगा। इसे मैं इसी तरीके से ढक के पकाऊंगी। जब तक हमारे आलू गोभी कढ़ाई में पकते हैं तब तक मैं बनाऊंगी इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने नॉर्मल तड़के का सामान ही लिया है, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। और इसका मैं दरदरा पेस्ट बनाऊंगी। लहसुन, अदरक, प्याज का एक दरदरा पेस्ट बना लूँगी। और साथ ही साथ मैं कढ़ाई में रखे आलू गोभी को भी चलाती रहूँगी। इस तरीके से सब्ज़ी को पकाने से एक अच्छी खुशबू आती है और आलू गोभी हमारे अच्छे से गल जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं, खिले खिले रहते हैं। इसलिए मैं इसे आज इस तरीके से बनाऊंगी। और इधर मैं अपनी चॉपिंग में आलू प्याज कर रही हूँ। तो प्याज होकर तैयार है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी इसलिए मैंने इसे दरदरा ही रखा है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और इधर मेरी ये सब्ज़ी मैं दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी ताकि ये पकती रहे। और इधर मैं तड़के की तैयारी करूँगी क्योंकि सब्ज़ी को मुझे कम से कम 70 से 80% पकानी है। 20% हम मसाले के साथ पकाएँगे, इसलिए सब्ज़ी को मैं उस साइड करके इसमें तड़का लगाना शुरू कर दूँगी। तड़का लगाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर के अंदर मैं डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल अब आपने ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पहले भी आप थोड़ा डाल चुके हो, तो ज़्यादा मतलब तेल ना हो जाए, इसलिए आप उसी हिसाब से डालें कि पहले आपने कितना डाला है और अब कितना डालना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। मैंने जीरा और किसी भी तड़के का प्याज से पहले कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ये सब मैं आलू गोभी में डाल चुकी हूँ। तो प्याज को मैं पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। प्याज अच्छे से पक जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और आप प्याज, टमाटर और बाकी जो भी सामान है, मसाले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को लाइट, तो आप इसी हिसाब से, और सब्ज़ी ज़्यादा है उस हिसाब से आप प्याज टमाटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और प्याज मेरे हो गए थे, मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर के बाद नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टमाटर को गलने में बहुत हेल्प मिलती है नमक से। और सारे बेसिक मसाले ही हैं, हल्दी, नमक, मतलब धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस इसी से ही सब्ज़ी, सब सब्जियों में नॉर्मल मसाले ही पड़ते हैं। कुछ सब्जियां होती हैं जिनके अंदर हमें कुछ अलग से मसाले डालने होते हैं। तो मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी, मसाले आप अपनी पसंद के डालें, जिस तरीके के आपको पसंद है ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। अब मैं टमाटरों को इतना ही गलाऊँगी कि ये छिलके छोड़ें, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं गलाने टमाटर को, क्योंकि जो मेरी 20% गोभी है वो मैं इसी में डालकर टमाटरों के जब पल्प के साथ ही पकाऊंगी ताकि जो गोभी है उसके अंदर भी मसाला अच्छे से जा सके। और जब मैं गोभी फ्राई कर रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि जब वो हो तो उसके अंदर नमक जा सके। टमाटर मेरे हो गए थे और मैंने अब इसमें डाल दिए सब्ज़ी। सब्ज़ी भी मेरी हो गई है, 70% समथिंग हो गई है। सारी सब्ज़ी मैं डालकर इसे इस तरीके से चला दूंगी। सब्ज़ी अगर आपको खिलरी खिलरी बनानी है तो चलाना मेन देखना होता है कि आप उसे किस तरीके से हिला रहे हैं। आप अगर दबा दबा के हिला रहे हैं तो सब्ज़ी टूट जाएगी। सब्ज़ी को हमेशा खिलारते हुए ही चलानी चाहिए ताकि वो अच्छे से टूटे ना और
खिली खिली रहे। और इसी तरीके से मैं इसे ढककर पकाऊंगी और मुश्किल से ये 5 से 7 मिनट में ढक के पक जाएगी। ढक के इसी तरीके से पकानी है आपने और चेक करते रहना है। जब आपको लगे ये पूरे तरीके से हो गई है तो आपको गैस ऑफ कर देना है। मैं भी इसी तरीके से चेक कर रही हूँ। गोभी तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। आलू का होता है कि आलू थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, तो आलू को मेन होता है चेक करने के लिए। ये देखिए गोभी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं इसको मतलब टोटली इसमें 5-7 मिनट ही लगते हैं सिम आँच पर। और सब्जी मेरी ढक के पका रही हूँ मैं। अब ये देखिए आप, तेल भी बहुत अच्छे से इसमें निकल आया है और खुशबू भी जब आप बनाओगे तभी पता लग जाएगी, खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। सब्जी अच्छे से पक जाती है, अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसी से पता लग जाता है सब्जी बन चुकी है। और अब मैं इसे किसी सर्विंग बाउल में डालूँगी। सर्विंग बाउल में डालने से पहले मैं इसे धनिया पत्ती से गार्निश करूँगी। तो धनिया पत्ती डालते हुए भी आपने यही ध्यान देना है कि आपने इसको चलाते हुए मिक्स करना है धनिया को, ना कि आलू गोभी आपके टूटे, इस तरीके से आप करें। अब इस ये सब्जी सूखी है, बट आप इसके अंदर जो रस है वो इतना है कि आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। मतलब सूखी है लेकिन मसाला इसमें जगह जगह अच्छे से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने सर्विंग कर दिए सब्जी को, एक प्लेट में डालकर इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं गोभी अच्छे से खिली हुई है, आलू भी खिले हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।